सिंगरौली जिला कांग्रेस कमेटी में एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है, जहां एक ही मुद्दे पर विरोध करने के लिए कई गुटों में बटी कांग्रेस के दो गुट अलग अलग समय में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे। सिंगरौली में कांग्रेस में गुटबाजी का अजब नजारा देखने को मिला। शहर कांग्रेस घोड़े पर बैठकर तो ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी साइकिल से पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि का विरोध करने पहुंचे। जिला कांग्रेस कमेटी शहर व ग्रामीण ने अलग अलग विरोध प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के दोनों गुट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अलग अलग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर के प्रतिनिधि को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दाम की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनजीवन महंगाई की मार से त्रस्त हो गया है। ऐसी सरकार प्रदेश में रहने लायक नहीं है। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ही, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल का दाम महंगा है, और अभी आए 11 दिन के अंदर में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। उसी के विरोध में हमारी पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार दाम कम करने के लिए डीजल पेट्रोल का हम लोगों ने कलेक्टर को पीसीसी के निर्देशानुसार कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, और ज्ञापन दे हम चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ कुछ हमारी स्थानीय समस्याएं थी, जो सिंगरौली जिला के बेरोजगारों को वो भी कंपनी में नौकरी नहीं दे रहे हैं, बाहर के लोगों को दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सिंगरौली के बेरोजगारों को वो भी कंपनी में नौकरी दी जाए। पेट्रोल से ऊपर डीजल का दाम हुआ है, तो ये पूरे एक एक नागरिक को सोचने की बात है, पूरे देश के नागरिकों को ये समझने की बात है कि ये क्या हो रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 थी, उस समय 140 रुपये बैरल कच्चा तेल मिल रहा था, और आज की डेट में 30 रुपये बैरल मिल रहा है। उसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, और ये आगे चल के एक एक नागरिक को परेशानी होने वाली है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।